कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ किस बारे में है? हम लोगों ने पढ़ा है दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बट इन बोथ द केसेस द चार्जेस आर एबल टू अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर. ये फोर्स कितना होता है? हाउ मच इज दैट फोर्स? हाउ डज इट वर्क? फॉर दिस कूलम्स लॉ इज मेड. तो कूलम ने इस लॉ को बनाया and he was greatly impressed by Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation की शक्ल कैसी है, शेप कैसी है, उसमें एक कॉन्स्टेंट होता है जी, दो क्वांटिटी दोनों बॉडी की जो कॉज होता है m1 और m2, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेड बाय स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस. तो इन्होंने भी कूलम्स लॉ को वैसा ही बनाया कि जो फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में वो फोर्स प्रोपोर्शनेट होगा दोनों के चार्जेस Q1 और Q2 के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनेट होगा. देयर आर टू चार्जेस, वन हैज गॉट क्वांटिटी Q1, अदर हैज गॉट क्वांटिटी Q2. दोनों को हमने पॉजिटिव मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं. ओके, सो Q1 इज अप्लाइंग फोर्स ऑन Q2, Q2 इज अप्लाइंग फोर्स ऑन Q1. सो दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2. अब एक के पास क्वांटिटी Q1 है, एक के पास क्वांटिटी Q2 है. अगर हम इस क्वांटिटी को डबल कर देंगे, अगर हम इस क्वांटिटी को थ्री टाइम्स कर देंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा. तो ये फोर्स कितना बढ़ेगा? मान लीजिए एक के पास क्वांटिटी थ्री है और हमने इसको टू टाइम्स कर दिया, टू टाइम्स. अगर टू टाइम्स कर दिया, पहले उसके पास फिर से इन दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा है F. अब हमने इसकी क्वांटिटी थ्री टाइम्स कर दी तो फोर्स बढ़ गया. कितना बढ़ गया? F प्लस थ्री. नहीं पसंद आया, ठीक है. दोनों को हमने चार्जेस को थ्री टाइम्स और थ्री टाइम्स बढ़ा दिया तो फोर्स कितने टाइम बढ़ गया? थ्री टाइम्स. ये भी पसंद नहीं आया तो हमने क्या किया? एफ पावर थ्री. हो सकता है तो थ्री को बढ़ाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. अब अगर एक के पास चार्ज Q1 है, दूसरे के पास चार्ज Q2 है, तो जो इसका फोर्स है दिस इज प्रोपोर्शनेट टू Q1 प्लस Q2. एक को हमने तीन गुना बढ़ा दिया, दूसरे को दो गुना बढ़ा दिया, दोनों मिला के पांच गुना बढ़ गए, करेक्ट? नहीं. फिर से सुनिए, एक को कितने टाइम्स इंक्रीज किया? थ्री. दूसरे को कितने टाइम इंक्रीज किया? टू, चार्ज को. तो फोर्स कितने टाइम इंक्रीज हो गया? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है. तो थ्री और टू के बीच में इतने सारे मैथमेटिकल रिलेशन होते हैं, और भी कुछ होते होंगे, लॉग करेंगे, करेंगे, वो करेंगे. तो इन सब में से कूलम ने एक रिलेशन चुना कि अगर आप Q1 और Q2 को थ्री टाइम्स और टू टाइम्स करते हैं तो फोर्स जो बढ़ेगा इस रिलेशन के अनुसार बढ़ेगा. ये भी एक काम था. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें क्या स्पेशल है. Q1 into Q2 है स्पेशल, Q1 plus Q2 भी तो हो सकता था. तो उन्होंने क्या बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप Q1 और Q2 टाइम्स चार्ज कर दोगे तो फोर्स किसके अनुसार चलेगा? Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2, मल्टीप्लाइड होना चाहिए प्रोडक्ट. ओके, दूसरा डिस्टेंस. ये वाला डिस्टेंस अगर हमने डबल कर दिया तो इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड कि फोर्स कम हो जाएगा, दूर हो जाएंगे. तो ये जो फोर्स कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस डबल कर दो फोर्स आधा हो जाएगा. नॉट ट्रू. फोर्स को हमने दो गुना कर दिया और डिस्टेंस को दो गुना कर दिया,
कोर्स आधा हो गया। आर को डबल करिए, कोर्स आधा हो जाएगा। करके देखा, कोर्स बहुत कम हो गया। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें फोर्स और भी कम हो जाता है। सो हमारे पास डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम होने के बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं। आर टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें से एक को चुनना था। किसको चुना? यस। आगे जाके आप पढ़ेंगे कि ऐसी भी क्वांटिटीज आएंगी, जैसे पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल बढ़ता है, दैट इज प्रोपोर्शनेट टू 1/r। फोर्स होता है 1/r². न्यूक्लियर फोर्स होता है 1/r⁶। ऐसे अलग अलग तरह के जो फोर्सेस हैं, अलग अलग तरह की क्वांटिटीज हैं, वो डिस्टेंस के अनुसार कोई थोड़ी सी वीक होती है, कोई ज्यादा वीक होती है। अभी इसी में आप आगे एक चीज पढ़ेंगे, डायपोल। डायपोल भी फोर्स लगाते हैं। ये प्लस माइनस डायपोल है, डायपोल ने इधर फोर्स लगाया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, आर को हमने बढ़ाया, तो उसका फोर्स आर की पावर 3 से कम होता है। तो कोई फोर्स पावर 3 से कम होता है, कोई 1 से कम होता है, कोई 2 से कम होता है, कोई 6 से कम होता है। तो हमको ये याद रखना है कि दो चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स जो लगता है उसमें आर कौन सा लेना, आर की पावर 2। ठीक है, दिस इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और आपने इनवर्स स्क्वायर लॉ कहां देखा है? तो आंसर है, हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स में देखा है। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी कैसा होता है, ये आर स्क्वायर। ठीक है, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², एफ इज प्रोपोर्शनल टू दीज टू। सो ये इन पर ही डिपेंड करता है, इन दो क्वांटिटीज पे। सो वी कंबाइन द टू, दोनों को कंबाइन किया, सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 upon r square। अब इस पे हमने एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया, दैट इज कूलम्स कांस्टेंट, एंड दिस इज q1 q2 upon r square। कूलम कांस्टेंट के लिए हमने कोई सिंबल स्टैंडर्ड या फिक्स नहीं किया हुआ है, so I am writing it as C, Coulomb's constant. Otherwise C capacitance के लिए होता है, तो वो standard है, तो इसको हम लोग बहुत कम use करते हैं, अभी मैं बताऊंगा इसको हम कैसे change करेंगे. Okay, but this is Coulomb's constant. Q1 Q2 upon R square, ये force का formula बना, तो force इन पर depend करता है. Okay, this is Coulomb's law. इस कूलम्स लॉ में चार्जेस पर फोर्स डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और ये कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। ये हाँ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। तो हम आगे के लिए याद रख लेंगे कि जब हमारा फोर्स नेगेटिव होगा, उसका मतलब होगा कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्लस और माइनस के बीच कैसा होता है? अट्रैक्शन। तो हम कहीं से गुणा भाग करते करते आए, कैलकुलेशन करते करते लास्ट में फोर्स की वैल्यू आई -10 न्यूटन। तो हम समझ गए कौन सा फोर्स पैदा हुआ, अट्रैक्शन। और अगर वैल्यू आई +10 न्यूटन तो कौन सा फोर्स, रिपल्शन। तो उसके साइन से हम उसका नेचर समझ जाते हैं, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। गुड क्वेश्चन, थैंक यू। अच्छा, ये एफ है, तो फोर्स किस किस पर डिपेंड करता है? Q1, Q2, R और ये C। C क्या है? कूलम्स कांस्टेंट। क्या ये कूलम कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है? क्या आप यूनिवर्सल कांस्टेंट्स के बारे में जानते हैं? क्या होते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट? तो यूनिवर्सल कांस्टेंट आपने दो सुने हुए और भी होंगे, एक ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, और एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, भले अर्थ पर हो, अर्थ के बाहर यूनिवर्स में हो, किसी भी कंडीशन में। कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी मीडियम के अनुसार वैल्यू बदलती है, तो सी एक ऐसा कांस्टेंट है जो मीडियम के अनुसार बदलता है। सी चेंजेस अकॉर्डिंग टू मीडियम। सी कूलम्स कांस्टेंट,
कूलम्स कांस्टेंट, चेंज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, मींस इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ठीक है। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है, इसको आगे हम नोट भी करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में जो कांस्टेंट होता है वो कैसा होता है, यूनिवर्सल, इट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। लेकिन कूलम फोर्स में जो कांस्टेंट होता है वो कैसा होता है, चेंजेबल एंड इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मीडियम। तो मीडियम का ऐसा कौन सा गुण है, मीडियम की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके अनुसार उसका ये कांस्टेंट चेंज होगा? तो आंसर है, मीडियम के पास एक प्रॉपर्टी होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको अब हम लोग स्टडी करेंगे। दैट प्रॉपर्टी इज परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, अब ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए, दो चार्जेस हैं जिन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है। हम ये मानते हैं कि यहां से इसने इस पर 100 का फोर्स लगाया, 100 यूनिट। तो हम ये मान लेते हैं कि यहां से 100 धागे निकले, स्ट्रिंग्स, कितनी 100, इससे ये इसको खींचेगा और कितना फोर्स लगाएगा, 100, ठीक है। अब इसके बीच में हमने एक मीडियम डाला, ये वाले 100 इस मीडियम में एब्जॉर्ब हो गए, इसने इसको इधर नहीं जाने दिया, तो ये नहीं जाने दिया तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा। जब भी हम कोई मीडियम लगाते हैं तो ये क्या करता है कि इधर से जो फोर्स आता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, उस इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेता है और छोटे से पोर्शन को जाने देता है। तो 100 में से यहां पर जो रखा है उसने मान लीजिए 60 को एब्जॉर्ब कर लिया और 40 को जाने दिया, तो अब ये फोर्स कितना लगाएगा, 40, ठीक है। दूसरा मीडियम हमने डाला, दूसरे मीडियम ने इसमें से 70 को एब्जॉर्ब कर लिया, 30 लाइंस को जाने दिया, तो इसमें फोर्स कितना लग गया, 30, एब्जॉर्ब कितना किया, 70। एब्जॉर्ब करने के लिए एक शब्द यूज करते हैं, वो है कि इसने इस फोर्स को अपने अंदर आने को परमिट किया, अंदर आने को परमिट किया। एक ने परमिट किया 40, फोर्स कितना लगा, 60। दूसरे ने परमिट किया 70, फोर्स कितना लगा, फिर से पहले की परमिटिविटी 40, दूसरे की परमिटिविटी 70, फोर्स कब ज्यादा लगा, जब परमिटिविटी कितनी थी 40, तो फोर्स ज्यादा लगा। जब परमिटिविटी 70 हो गई, उसने 70 को सोख लिया, 70 को एब्जॉर्ब कर लिया, तो फोर्स कितना बच गया, 30। तो अगर किसी चीज की परमिटिविटी बढ़ती जाती है तो फोर्स कैसा होते जाता है, कम होते जाता है। परमिटिविटी बढ़ती जाएगी तो लगने वाला फोर्स, बचा हुआ फोर्स कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है मीडियम की, ऐसा सोचा गया। तो मीडियम की एक प्रॉपर्टी है परमिटिविटी, बिकॉज ऑफ दिस परमिटिविटी द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस चेंजेस, मोर इज द परमिटिविटी लेस इज द फोर्स। कुछ बात आ रही समझ में, परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब क्या है, उतनी लाइनों को, उतने धागे को वो अपने पास रखता है, ये परमिटिविटी। ये नहीं कि उतना लगने देता है, उतने को अपने पास रखता है, तो लगने वाला फोर्स छोटा होते जाता है। तो इसका यह मतलब है कि परमिटिविटी और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी,
इसको हम लोग क्वांटिफाई करके इसको बताते हैं, इसकी एक क्वांटिटी रखते हैं, दैट क्वांटिटी इज नोन एज परमिटिविटी। ठीक है, सो इट इज अ नंबर, दैट नंबर इज असाइंड टू ए मीडियम। ठीक है, दैट नंबर इज असाइंड टू ए मीडियम, तो हर मीडियम की एक क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी की उसकी परमिटिविटी होती है। अब अगर हम उस परमिटिविटी को सिंबल देना चाहें तो परमिटिविटी को सिंबल हमने दिया एप्सिलॉन, ये हमने ग्रीक में ई को लिखा है, लेकिन इसके कॉर्नर्स नहीं होते, इसको आप राउंड बनाएंगे तो ये क्या कहलाता है, दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज एप्सिलॉन। और ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, परमिटिविटी को, ये परमानेंट सिंबल है इलेक्ट्रिसिटी में, एप्सिलॉन मींस परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये एप्सिलॉन का कूलम्स कांस्टेंट से रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, सी इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon। ठीक है, 4 pi इज सॉलिड एंगल चारों तरफ वाला, तो परमिटिविटी चारों तरफ काम करती है, एप्सिलॉन परमिटिविटी है, ये इस तरह से रिलेटेड होते हैं, जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होती है उसका कूलम्स कांस्टेंट छोटा होगा, कूलम कांस्टेंट अगर छोटा होगा, कूलम कांस्टेंट छोटा होगा तो फोर्स भी कैसा लगेगा, छोटा लगेगा, कम लगेगा। इस तरह से परमिटिविटी और कूलम्स कांस्टेंट अपोजिट है, परमिटिविटी और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड करता है कि फोर्स कितना लगेगा। तो अब हमारा इक्वेशन का फॉर्मेट बदल गया, अब हमारा इक्वेशन क्या बना, एफ इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें एप्सिलॉन परमिटिविटी है, जिसकी परमिटिविटी है मीडियम की, सो वी विल राइट हियर मीडियम m। अब इसमें एक और चीज आ गई कि अगर हमने इसको मीडियम m लिखा है तो हर मीडियम की परमिटिविटी हमको नोट करनी पड़ेगी, हमको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, मालूम होनी चाहिए। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे वो कहां करेंगे, तो आंसर है सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हम ओपन में करते हैं, एयर में करते हैं, अपनी लैब में, उसमें एक चार्ज पार्टिकल रखा, दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा, इसके बीच में कुछ नहीं रखा, दोनों को एक दूसरे पे फोर्स लगा ले दिया हमने, तो बीच में क्या है, एयर है या फ्री स्पेस है। ठीक है, मोस्टली हमारे एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होते हैं, उस समय हमको किसकी परमिटिविटी चाहिए, तो आंसर है हमें एयर की परमिटिविटी चाहिए या फ्री स्पेस की परमिटिविटी चाहिए। तो इस परमिटिविटी से ये फोर्स लग रहा है मीडियम एंड मीडियम में, अगर वहां पर कोई मीडियम नहीं है, अगर कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, उसकी परमिटिविटी का नाम हमने रखा एप्सिलॉन नॉट। ये दिखाता है, दिस इज नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट मतलब कुछ नहीं। ठीक है, ओके, दो चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं है तो उसकी जो परमिटिविटी है दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट। अगर दो चार्जेस के बीच में कुछ नहीं है तो फोर्स को हम क्या लिखेंगे, 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square। ये क्या है, f in the free space, ये वाला f किस पे है, medium पे, this is 1, this is 2, if 1 divided by 2 करें हम, 1 divided by 2, so this will be force in free space divided by force in medium। इसको आप करके देखिए, हर चीज कैंसिल हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन फ्री स्पेस, बाकी q1 q2 r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/4 pi कैंसिल हो गया।
क्योंकि एप्सिलॉन नीचे है इसलिए वो इन्वर्ट होके ऊपर आ गया। ये एक रिलेशन हमारा बना, दिस इज व्हाट रेशियो बिटवीन टू फोर्सेस। ये फोर्स कब है, जब उनके बीच में क्या है, फ्री स्पेस यानी कुछ नहीं। ये फोर्स उनके बीच में मीडियम, ये उस मीडियम की परमिटिविटी और ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी। ये एक रिलेशन आपको याद रखना। अच्छा, अब इसमें देखिए एफ ओ किसके बराबर हुआ, फोर्स ऑन फ्री स्पेस इज इक्वल टू ई एम ई नॉट इंटू फोर्स मीडियम। अब हमने अलग अलग मीडियम रखकर फोर्सेस को देखा, फ्री स्पेस और एयर, इन दोनों के बीच फोर्स करीब करीब बराबर रहता है, बहुत कम डिफरेंस रहता है उनमें। इनमें अगर मटेरियल की जगह क्या कर देंगे, एयर, तो ये वाला ऑलमोस्ट वन होता है, दैट इज 1.000022 ऐसा। तो हम लोग ये मान लेते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एयर की जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी के बराबर है, ठीक है। और हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट अपने एयर नहीं करते लैब में, तो इसलिए उसके लिए हम एप्सिलॉन नॉट ही लिखा करते हैं, ठीक है। तो ये एयर में लगने वाला फोर्स, ये फोर्स किस में लगने वाला है, मेटल मटेरियल बीच में डाल के। हमने देखा कि हम कोई भी मटेरियल डालें फोर्स कम हो जाए, कोई भी मटेरियल डाले फोर्स कम हो जाएगा। तो हमने एक नियम याद कर लिया, दैट फोर्स विद मटेरियल इज ऑलवेज लेस देन फोर्स इन द फ्री स्पेस। दो चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, यस, ये आपका एक आंसर तैयार हुआ, व्हेन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर मैक्सिमम, व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन देम, when they are in free space. As soon as we put medium, the force goes on decrease. कितना decrease होते जाता है, ये उसका relation है। अच्छा, अब यहां पर आप देखिए FM किसके बराबर हुआ, इसको force in the medium is equal to force in the air or force in free space divided by, ये आ गया एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन ओ। ये क्या चीज है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ एयर। हमने क्या किया, हर मीडियम का चेकअप किया। फिर से सुनिए, दो चार्जेस रखे, उनके बीच फोर्स लगाया, फोर्स को नापा, इधर से स्प्रिंग लगा के देखा दोनों एक दूसरे को खींच रहे 100 न्यूटन से, ठीक, उनके बीच में एयर है, हमने ये मान लिया कि एयर होने से फोर्स कितना है 100 न्यूटन, ये ठीक है। उसके बाद ये एफएम हम अलग अलग क्रिएट करते चले गए, कैसे, दोनों के बीच में हमने पेपर भर दिया, पेपर, तो मीडियम क्या हो गया, पेपर। हमने देखा कि फोर्स का रेशियो आ गया 1/6, फोर्स कितना हो गया 1/6 हो गया कम, तो ई एम अपॉन ई नॉट कितना हुआ उसका 6, कितना हो गया 6। फिर से सुनिए, ये फोर्स था पहले एफ ओ 100, ये वाला फोर्स उससे कम हो गया, कितना कम हो गया, ये हो गया 16, तो 100/16 कितना होता है 6 अप्रोक्सीमेटली, तो EM अपॉन EO की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमने क्या किया, पेपर को निकाला, उसकी जगह हमने ग्लास डाल दिया, जब ग्लास डाला तो देखा दोनों के बीच का फोर्स बचा 10, पहले कितना था 100, अब कितना है 10, FO अपॉन FM कितना आया 10, तो ग्लास के लिए EM अपॉन EO कितना है 10, ठीक है। फिर हमने उसको निकाला और दोनों को उठा के पानी में डाल दिया, अब उनके बीच मीडियम क्या है, पानी,
अब हमने देखा कि उसका फोर्स आया वन, सिर्फ वन। तो पहले कितना था हवा में? 100, अब कितना है? वन। तो उसके लिए ईएम अपॉन ईओ कितना हो गया? 100। पानी के लिए कितना हो गया? 100। ऐसा कर करके हमने हर मीडियम का ईएम अपॉन ईओ निकाल लिया, हर मीडियम का। ठीक है, ईएम अपॉन ईओ निकालने से क्या फायदा? तो आंसर है कि हमने एक चार्ट में उसको लिख लिया। अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि मीडियम का, मीडियम में लगने वाला फोर्स बताइए, तो हम बोलेंगे हवा में कितना फोर्स लग रहा है, एफओ, इसको किससे डिवाइड करना है? ईएम अपॉन ईओ से, और ईएम अपॉन ईओ हमारे पास चार्ट में है। तो ये जो चीज है ईएम अपॉन ईओ, इसको भी हमने एक नाम दे दिया, छोटा सा नाम दे दिया। ये क्या चीज है? परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, परमिटिविटी ऑफ एयर, ये दोनों का कंपैरिजन है। यानी परमिटिविटी इन रिलेशन टू एयर्स परमिटिविटी इन रिलेशन टू, इसलिए इसका हमने नाम दिया रिलेटिव परमिटिविटी। क्या नाम दिया? रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब हम नोट करते हैं दैट ई मटेरियल अपॉन ई ओ इज इक्वल टू ई आर, दिस ई आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी बनने से हमको बहुत सारे फायदा हो गया ऑफ मटेरियल। रिलेटिव परमिटिविटी किसकी होती है? मटेरियल। अच्छा, यानी उस मटेरियल की परमिटिविटी कितनी ज्यादा है? रिलेटिव परमिटिविटी ई एम अपॉन ई ओ ई आर, इसको हम कहां यूज कर रहे हैं? फोर्स में। ओके, अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? या, ठीक है ना। अब सुनिए मेरा क्वेश्चन, दो चार्जेस के बीच में एयर में फोर्स लग रहा है 900। हमने उसके बीच में पेपर डाल दिया जिसका ईआर है 6, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 6 है। अब फोर्स कितना हो गया? 900 डिवाइडेड बाय 6, 150 न्यूटन फोर्स। समझ में आया? फिर से, दो चार्जेस के बीच में फोर्स है 900, उसको हमने पानी में डाला, फोर्स हो गया 10। 900 से कितना हो गया पानी में? 10। तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी बताइए, ये कितना है? 900। ये कितना है? 10। 10 इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय ईआर। अब ईआर की वैल्यू बोलिए कितनी आई? 90। तो इसलिए ये किसका वैल्यू आया? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। ठीक, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर 90 होता है, ये आपको याद ही रखना, 89 समथिंग है, विल रिमेंबर इट एज 90। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी जितनी बढ़ती जाएगी, आप देख रहे हैं रिलेटिव परमिटिविटी जितनी बढ़ती जाएगी उतना फोर्स कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा, ये याद रखिएगा थंब रूल। रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा, फोर्स कैसा हो जाएगा? कम। ठीक, इसको पक्का याद रखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेशन, रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेशन देखिए, ई आर इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ एम। अभी हम इस पे भी काम कर चुके हैं न्यूमेरिकल में, 900 अपॉन 6 रख के, अभी हम इस पर भी काम कर चुके हैं वाटर के लिए 900 और 10 रख के, इसलिए इसमें से हमको वन मार्क न्यूमेरिकल आता है, याद रखिएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल से बड़ी बात क्या है, हमको इसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि जितनी ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी होगी उतना वो फोर्स को डिस्करेज करेगा, नहीं जाने देगा, खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आया? परमिटिविटी क्या हुई? जो खुद में खींच लेता है, दूसरे को लगने नहीं देता, ये परमिटिविटी। तो ये परमिटिविटी के रिलेशन हो गए। अब एक छोटी सी चीज और है, ये यहां पर देखिए, ये ई एम किसके बराबर हुआ? ई नॉट इंटू ई आर, ये हुआ। अब
यहां पर फोर्स का फॉर्मूला देखिए, फोर्स बिटवीन ये फोर्स नहीं सॉरी, अगर हमने एक मटेरियल के दोनों तरफ चार्जेस रखे और फोर्स लगाया तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε मीडियम क्यू नॉट क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या चीज है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, फोर्स विद द मीडियम, ये हमारा रिलेशन है। अब इस रिलेशन में ई एम को हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट ई आर, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ एम इज इक्वल टू 1/4πε0 ER क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें से आप देखेंगे कि 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square ये किसका फॉर्मूला था, फ्री स्पेस का, और ER किसका हमने जोड़ दिया, उस मीडियम। तो कोई भी मीडियम हम ले फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ क्या करते जाएंगे हम, ER की वैल्यू बदलते चले जाएंगे, जो मीडियम आएगा वो। तो ये हमारा फाइनली इक्वेशन बना, फोर्स इज इक्वल टू दिस दिस दिस। अच्छा, जब हम ये जो ER है, ER फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए कितनी वैल्यू होगी, ER फॉर फ्री स्पेस और एयर, तो इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि उसी से ही तो कंपेयर करना है, ठीक है। तो जब फ्री स्पेस के लिए हम इस फॉर्मूला को लिखेंगे तो एफ ओ लिखेंगे और इसको नहीं लिखेंगे, बिकॉज दिस इज 1, 0 नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है, 1। तो ई आर निगेटिव नहीं होता, ई आर 0 नहीं होता, ई आर हमेशा पॉजिटिव होता है, ई आर की यूनिट नहीं होती। अब नंबर के बारे में सी और ई, इनके थोड़ी सी वैल्यूज याद कर लीजिए। सी दैट इज कूलम्स कांस्टेंट इज 9 × 10⁻⁹। अगर ये इसकी वैल्यू है, ये सी है, तो इसका यूनिट जरा बोलिए, सी इज इक्वल टू एफ का यूनिट क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम कूलम पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये सी की वैल्यू। वैसे ही फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी की वैल्यू, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस इज 8.85 × 10⁻²। और इसकी यूनिट उससे उल्टी हो जाएगी, क्योंकि सी ऊपर होता है और एप्सिलॉन नीचे होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बोलिए, इसका प्लस कौन होगा, ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। तो ये आप याद रखेंगे दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, ओके। तो जो कॉन्स्टेंट आज हमने देखे, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास नोट करिए, इलेक्ट्रॉन का कितना, यस 9.1 × 10⁻³¹। अगर नहीं याद है तो कर लीजिए, नहीं तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है इसको। उसके बाद कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁻¹⁹ और परमिटिविटी की वैल्यू 8.85 × 10⁻²। ओके, इस तरह से ये वैल्यूज आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यही करते हैं। उसके बाद कूलम्स लॉ फोर्स लगाता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम वेक्टर के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे ताकि वो हमको क्वांटिटी के साथ में डायरेक्शन भी बताए, तो उसका लिखने का तरीका बदल जाएगा, उसको फिर हम लोग अगली क्लास में करेंगे और इसके साथ फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे। ये हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक हो गया। इसके जो नोट्स हैं वो नोट, आज हम लोग का टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ
कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमको क्या बताता है? कूलम्स लॉ टेल्स अस अबाउट द फोर्स एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इफ यू वांट टू राइट कूलम्स लॉ इट विल बी वेरी वेरी एप्रोप्रिएट इफ यू राइट इट इन द वेक्टर फॉर्म, बिकॉज व्हाट डज कूलम्स लॉ टेल्स अस अबाउट? फोर्स, एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो कूलम्स लॉ को इस तरह से हमने लिखना चाहिए कि वो हमको क्वांटिटी भी बताए, मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताए। ओके, डायरेक्शन कोई चीज कैसे बताती है? लिखी हुई चीज डायरेक्शन कैसे बताती है? तो हमारे पास उसका जवाब है, क्लास 11th में हमने एक चीज पढ़ी है, वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे लिखा जाता है। वेक्टर क्वांटिटीज को, कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, दिस इज ए क्वांटिटी, इट हैज गॉट टू कॉम्पोनेंट्स, वन इज मैग्नीट्यूड एंड अदर इज डायरेक्शन। सो डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। फिर से Q1, Q2 दो पार्टिकल हैं जिनके पास चार्जेस हैं, हमने मान लिया दोनों के पास एक जैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके बीच कुछ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नापा हमने आर। ओके, अब Q2 पर कौन फोर्स लगाता है? Q1, और Q1 पे कौन फोर्स लगाता है? Q2, उसी फोर्स का हमने इक्वेशन लिखना है। कूलम्स लॉ में फोर्स कितना होगा? तो पहले हम डायरेक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, ये है पार्टिकल नंबर 1 और ये है पार्टिकल नंबर 2। तो यहां से इधर जो डायरेक्शन है वो ये जो ऐसे हम जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? 2 की तरफ, और कहां से जा रहे हैं? 1 से जा रहे हैं। तो इधर का यूनिट वेक्टर हम मानेंगे यूनिट वेक्टर आर टुवर्ड्स 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 1। फाइनल पॉइंट कौन सा? डेस्टिनेशन 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो 1 से 2 तक ये वाली जो डायरेक्शन है उसको कौन दिखाता है? यूनिट वेक्टर 2 1। ठीक है, ये आपको याद रखना, यूनिट वेक्टर 2 1 दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ दिस। ओके, तो R21 नोटेशन आपको समझ में आ गया, ये क्या दिखाता है? डायरेक्शन, इसी पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हमने ये लिखा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, तो मुझे बताइए R56 क्या दिखाता है? टुवर्ड्स 5 फ्रॉम 6, ये डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन के लिए हम नोटिंग क्या देंगे? यूनिट वेक्टर R56। ठीक है, इसी तरह से बताइए यूनिट वेक्टर 1 2 फ्रॉम ये डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन बतानी आ गई। अब देखिए ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 1। उसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसकी क्वांटिटी बदल नहीं सकता। जैसे 20 के साथ हमने यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया R56, तो उस 20 को हमने डायरेक्शन दे दी, ये 20। अगर हमने लिखा 30 R12, तो ये हमने क्या किया? 30 हमारे फोर्स की क्वांटिटी है और लग किधर रहा है? 2 से 1 की तरफ। समझ आ गया? इस तरह से किसी भी क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है? पहले उसका मैग्नीट्यूड और उसके बाद एक यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर के ये जो नंबर हैं ये हमको क्या देते हैं? डायरेक्शन। इस तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का तरीका हो गया। बस इसी क्वांटिटी को हमने कूलम्स लॉ में लिख देना है, फोर्स ऑन पार्टिकल नंबर 1 ड्यू टू पार्टिकल नंबर 2। इसको कैसे लिखना है? तो इसमें हम पहले लिखेंगे 1 1, किसके लिए है? ऑन फोर्स ऑन 1 बाय 2। तो सीक्वेंस क्या होगा? पहले 1 लिखा जाएगा फिर 2 लिखा जाएगा, फोर्स 1 2 ये।
और ऊपर वेक्टर लगा दिया, तो फोर्स जो वन पे लग रहा है टू के कारण, ये कितना होगा? इसकी क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी हमने लिखी 1/4πε0 U1 Q2 r2, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन F12 की डायरेक्शन किधर है बताइए, यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, इधर से इधर ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का नाम क्या है, F(1)/2, ये वाला वेक्टर। तो इस वेक्टर की ये हो गई क्वांटिटी और ये क्या है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के सीक्वेंस बताओ, रोटेशन टुवर्ड्स 1 from 2, तो इसको लिखेंगे 1 2 और यूनिट वेक्टर का निशान हमने लगा दिया, ये है, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। बस अच्छा, अब F21 ये बोलिए, आर ठीक है, तो R किधर जाएगा, 2 की तरफ, कहां से स्टार्ट होगा, 1 की तरफ, राइट। ये जो नोटेशन है ना R12 और R21, इसमें अलग अलग राइटर अलग अलग तरह से यूज करते हैं, तो इसमें आपको काफी कंफ्यूजन मिलेगा, हो सकता है अलग अलग राइटर्स की बुक में अलग अलग मिले। पिछले साल तक मैं इसको पढ़ाया करता था R1 से लेके 2 तक, R12 ये डायरेक्शन होती है, मेरे पिछले साल के लेक्चर्स में ऐसा है, R12 ये डायरेक्शन होती है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, R21। अभी हम इस डायरेक्शन को क्या लिख रहे हैं, R12, तो अपनी अपनी समझ है। अब NCERT बुक ने भी ये वाला तरीका अपनाया है, मैं भी वही तरीका अपना रहा हूं, इसमें एक इजी ये रहता है कि F के साथ क्या लिखा हुआ है 1 2, तो R के साथ भी क्या लिखा है 1 2, एक जैसे, तो हमको एक चीज याद रखने से दूसरी चीज याद हो जाएगी, F21 लिखा है तो R21, तो R के साथ अब हमको मीनिंग क्या लिखना है, जो पहले लिखा होगा उसकी तरफ जाना है, कहां से जाना है, जो बाद में लिखा होगा, ठीक है, यही तरीका हम लोग भी अपनाएंगे, लेकिन ये मानकर चलिए कि अलग अलग राइटर्स के अलग अलग हो सकते हैं, तो उसमें बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। अमेरिकन लैंग्वेज में अमेरिकन प्रोफेसर्स जो पढ़ाते हैं वो इसको F21 लिखते हैं, मैंने देखा है एक दो प्रोफेसर्स का वैसा है, तो लेकिन जब भी कोई लिखना शुरू करता है तो पहले बता देता है कि मेरे लिखने का मतलब क्या है, हमने भी बता दिया हमारे लिखने का क्या मतलब, तो दिस इज वेक्टर फॉर्म। अच्छा, अब इस वेक्टर फॉर्म को हम लोग थोड़ा और करेक्शन करते और कन्वीनियंट बनाते हैं, मान लीजिए U1 U2 इसके बीच का फुल वेक्टर हम दिखाना चाहते हैं R, जैसे 2 to 1 ये डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर है R, अगर ये वेक्टर R है तो क्या हम R के फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं, आंसर है यस, लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये तरीका होता है, ठीक है, इसको यूज करके हम यहां पर प्लेसमेंट करते हैं F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 r2 × unit vector r, इसको क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर, फुल वेक्टर, कौन सा वेक्टर, 1 2 डिवाइडेड बाय r, इसको 1 2 या 2 1 की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओके, ये नाउ दिस r एंड दिस r, दिस 2 टुगेदर विल बिकम r^3, so this we can write as r^3, so when you write r^3 this 1 r is here, so actually it is r^2, so similarly F21 is equal to 1/4πε0 u1 u2 r
वन टू सॉरी दिस इज टू वन टू पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू वन इधर होगा तो ये वाली आर की डायरेक्शन क्या कहलाएगी टूवर्ड्स टू फ्रॉम वन तो इसके साथ आर कैसा लगेगा टू वन डिवाइडेड बाय आर टू दिस इज द अदर वन यहां पर एक चीज हम जानते हैं आर वन टू और आर टू वन ये एक दूसरे के अपोजिट है इसका मतलब कि अगर हम आर टू वन को रिवर्स कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा आर वन टू दैट मीन्स आर टू वन को रिवर्स किया ये डायरेक्शन इसकी पलट दी तो हमने क्या लगाया इसके सामने माइनस माइनस का मतलब क्या होता है डायरेक्शन को उल्टा कर तो ये किसके बराबर हो जाएगा आर वन ये बात समझ में आई माइनस लगाने से ये दोनों बराबर हो गए अदरवाइज एक इस तरफ था और एक इस तरफ तो इन दोनों की क्वांटिटी भी बराबर है वन वन और डायरेक्शन भी एक दूसरे के उल्टी है अच्छा आर वन टू आर टू वन अगर ये ऐसा है तो इनका रिश्ता क्या हुआ एफ वन टू इज इक्वल टू माइनस एफ F12 is equal to minus F21. इसका ये मतलब है the force on Q1 and force on Q2. ये दोनों आपस में कैसे होते हैं ये क्या दिखा रहा है Equal. दोनों आपस में कैसे होते हैं Equal. पर दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है Opposite. So the force on Q1 and Q2 are equal. Forces on one and two are equal but opposite but opposite in direction okay acha to ye ho gaya vector form of coulomb's law lekin इसमें एक तरीके से और हम इसको बना सकते हैं वो तरीका भी बहुत पूछा जाता है द टू चार्जेस आर प्लेस्ड क्यू वन एंड क्यू टू द टू चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम विद पोजीशन वेक्टर आर वन एंड पोजीशन वेक्टर आर टू पोजीशन वेक्टर आर वन एंड पोजीशन वेक्टर आर टू ओके यहां पर रखा है Q1 और यहां रखा है Q2. Now what is the force between them? Write it in the vector form. तो हमने क्या किया Q1 Q2 को मिला दिया क्यों क्योंकि कूलम्स लॉ कौन सा डिस्टेंस चाहता है बिटवीन टू Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस ये है इसकी लंबाई कितनी है और इसकी डायरेक्शन कितनी है मान लीजिए इस पर हमने ये वाला ऐसा लगाया तो ये आर कौन सा हुआ आर टू की तरफ है वन से आया आर टू वन ये क्यू वन क्यू टू पर फोर्स लगाएगा रिपल्शन इस तरफ क्यू टू क्यू वन पर फोर्स लगाएगा इस तरफ तो ये वाला जो फोर्स है ये किसकी डायरेक्शन में है आर टू वन और ये वाला फोर्स किस डायरेक्शन में है आर वन टू Because this is one and this is two. तो ये one two इधर और ये two one. ठीक ये हो गया. अच्छा R two. अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको ये जो चीज लिखी हुई है, इसी को हम translate कर लेते हैं. देखिए F one two is equal to one upon four pi epsilon naught Q one Q two. R12 divided by so R cube एक चीज ये जो R21 है R21
ये R1 और R2 के टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है? ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां 1 तक ये वाला वेक्टर कौन सा है? R1। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ये ट्रायंगल लॉ याद करिए, याद आया? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, यानी R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2। R1 को इधर करिए, सो दिस विल बी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, दिस इज इक्वल टू वेक्टर R21। तो वेक्टर R21 को हम क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस R1 वेक्टर 21 वेक्टर 1। ठीक है, तो 21 इज वेक्टर R2 माइनस R1। अब ये जो हमारा है F12 या F21, कोई भी, पहले 12 बना लेते हैं। 121 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R3। उसके बाद हमने वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो R12 क्या हो जाएगा बताइए? यस करेक्ट, अगर हमने R12 लेना है सो दिस विल बी R1 माइनस R2, और अगर R21 लेना है तो R2 माइनस 1। तो 12 के साथ हमको क्या चाहिए? 12 एंड दिस R12 डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन R12 डायरेक्शन इज गिवन बाय R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 ये आगे डायरेक्शन। अब ये अगर वेक्टर है R1 माइनस R2, ये कौन है? ये R12, दिस इज इक्वल टू R1 माइनस R2। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस तरफ। R21 इस तरफ डायरेक्शन वाला है, ये कौन है? R2 माइनस R1। ये बात समझ आ रही है? तो जब हम ये वाला फोर्स दिखाएंगे, फॉर दिस फोर्स वी विल यूज दिस डायरेक्शन, दैट इज R1 माइनस R2, एंड फॉर दिस फोर्स वी विल यूज R2 माइनस R1। ठीक है, ओके, यहां आपने करके देखा है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 R21 होता है, इसी को हम यहां यूज कर रहे हैं। ये अब एक चीज और, वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से एग्जिबिट किया जाता है, किस तरह से शो किया जाता है? तो आंसर है कि उसका ये क्या बन जाता है, ये उसका मॉडुलस। मॉडुलस अगर हम बनाएंगे दैट विल बी नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये आर क्या है? दिस आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो इसको हम यहां पर लिखते हैं, ये क्यूब तो रहेगा, और इसको हम लिखेंगे R1 माइनस R2। क्या ये वेक्टर है? आंसर है नो, ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि हमने इसको क्या लगा दिया? मॉडुलस। तो ये क्या चीज है? ये वाला। ठीक, तो मॉडुलस बनाने से हम क्या बना देते हैं? उसको मैग्नीट्यूड, और हमने क्यूब मैग्नीट्यूड का करना। अब ये तरीका हो गया इसको लिखने का। उसी तरह से F21 को किस तरह से लिखेंगे बोलिए? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 Q। दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर R2 माइनस R। दिस इज वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड। तो ये है F21 इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज अल्टीमेट वेक्टर फॉर्म। व्हेन Q1 इज लोकेटेड, Q1 इज हैविंग पोजीशन एट R1, Q2 इज हैविंग पोजीशन एट R2, दिस देन दिस इज द इक्वेशन फॉर फोर्स, करेक्ट? सो दिस इज हाउ वी राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये कभी एक दो नंबर के पूछा जाता क्वेश्चन में, दैट कूलम्स फोर्स, राइट इक्वेशन ऑफ कूलम्स फोर्स इन
vector form. So this is how you will write it. कई बार students को ये doubt होता है कि अगर हमारा question आता है write Coulomb's law in vector form, तो हमको कितना लिखना है. This itself is a vector form. This is a vector form. This is also a vector form. तो क्या हमें तीनों vector form लिख देने चाहिए? तो answer है कि ये आपको question के marks देख के पता लगेगा. If it is one mark, two mark, then you have to write only one form. तो आपको एक diagram बनाना जरूरी है. Diagram में force की direction दिखाना जरूरी है. और वो बनाइए या ये बनाइए. ये देंगे then it is best. लेकिन okay, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है और ये नीचे इक्वेशन लिख देना है. This is the vector form. Otherwise, वो भी गलत नहीं है. पर वन मार्क टू मार्क क्वेश्चन में तीनों लिखने की जरूरत नहीं है. ओनली वन विल बी सफिशियंट.